पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की का दुष्कर्म करके हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला कजरैली थाना में 22/3/2018 का है, जिसमें दोनों अभियुक्त ने मिलकर पीड़िता के साथ पहले रेप किया और उसके बाद साक्ष्य मिटाने के नियत से कड़ा से गले पर प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। पीड़िता को मृत समझ दोनों अभियुक्त फरार हो गए, लेकिन पीड़िता जीवित थी और उसने अपना बयान दर्ज करा दिया था। कांड में लंबे समय से फरार चल रहे नीलेश यादव को आज पॉक्सो की धारा के तहत आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। नाबालिग से रेप करने के बाद उसको जान मारने के नियत से गला पर गड़ासे से काटा गया था। लड़की बेहोशी अवस्था में जब थी तो मृत समझ कर वो भाग गए थे। वो अभियुक्त थे नीलेश यादव और उसके साथ एक अभियुक्त और थे जो अभिषेक कुमार थे। अभिषेक कुमार किशोर न्याय बोर्ड चले गए। यहाँ एक अभियुक्त जो नीलेश यादव थे वो उस समय से घटना के बाद पकड़ में नहीं आ रहे थे। 4 साल वो फरार ही रहे। यहाँ न्यायालय से कुर्की वारंट वगैरह सब भेजा गया। 4 साल के बाद वो पकड़ के आए। आज श्री पन्ना लाल सर जो विशेष न्यायाधीश पॉक्सो हैं ADJ 6 उनके न्यायालय में इनको सजा के बिंदु पर सुनने के लिए आज रखी गई थी, जिसमें इन पर 363, 365, 307 और पॉक्सो की धारा 6 में सजा दी गई। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर समारोह स्थल का जायजा लेने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और SSP आनंद कुमार सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचे। जिलाधिकारी ने सभी विभाग के अधिकारियों को समारोह स्थल पर सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पासिंग परेड का भी मुआयना किया। कोविड को लेकर बीते 2 वर्षों से सैंडिस कंपाउंड में गणतंत्र दिवस आयोजित किया गया था, लेकिन बंदिशों के साथ, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत भीड़ लगाने का आदेश नहीं था। परंतु इस बार भव्य तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस में इस बार परेड के साथ साथ झांकियों का भी आयोजन होगा। फाइनल रिहर्सल का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, सब लोगों का ने बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है किया है और इस बार पहली बार कोविड के बाद जो है एक तरह से किसी तरह की बंदिश नहीं है, तो इसमें काफ़ी संख्या में आगंतुक भी आएंगे। वैसे हम लोग ऑनलाइन भी जो है पूरे कार्यक्रम का प्रसारण हम लोग कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल रहेगा, डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर भी, सोशल मीडिया पर भी। और 11 झांकियां इस बार, ये तीसरा साल होगा जो तो आप देख रहे हैं कि कोविड के कारण बंद था, झांकियों का प्रदर्शन नहीं होता था, तो 11 झांकियां भी रहेंगी। और जितने भी हमारे प्लाटून्स हैं, ट्रूप्स हैं, जो सब लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन सब कर रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कहे जाने वाली गौरैया की आबादी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और इसका मुख्य कारण भारत में पहले के मुकाबले प्रदूषण का ज्यादा होना है। कुछ सालों पहले ये नजर भी आते थे, लेकिन अब ये दिखना ही बंद हो गए हैं। दुनिया में इनकी प्रजातियों की संख्या फिलहाल 43 है, जो लगातार खत्म होने के कगार पर बढ़ रही है। पेड़ों की कटाई, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण के कारण इनकी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। गौरैया प्रजाति विलुप्त न हो उसको लेकर आज भागलपुर में प्रकृति के रंग जीवों के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों को पौधा देकर स्वागत किया गया। वहीं आम लोगों के बीच मिट्टी और लकड़ी के बने घोंसले निःशुल्क वितरित किए गए। देखिए, आज जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, ये हमारी गौरैया और इन्वायरमेंटल बैरियर के साथ में WI है और नमामि गंगे के भी हैं और सृजन है ना, सृजन भी है, तो ये 4-5 संस्था मिलकर यहाँ पर एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, खासकर गौरैया संरक्षण को लेकर, साथ ही वेटलैंड के संरक्षण को लेकर, क्योंकि लोगों के बीच अभाव है जागरूकता को लेकर। और मूलतः आज जो कार्यक्रम रखा गया है इसमें निःशुल्क हम लोग घोंसला बांटेंगे मिट्टी के, लकड़ी के, प्लाई के बने हुए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि गौरैया जो है हमारी राजकीय पक्षी है, वो विलुप्ति के कगार पर है, इन कगार पर है नहीं, मतलब पूरे विश्व का मैं बात कर रहा हूँ, भारत में इसकी संख्या भी स्थिर है, तो उसे संरक्षण देने के लिए, क्योंकि कंक्रीट के जंगल ने उसका अधिवास छीन लिया, घर छीन लिया है। दिल्ली स्थित संसद भवन के सेंट्रल हॉल में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में भागलपुर के विक्रमशिला कॉलोनी निवासी, अमरपुर के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर और भागलपुर की पूर्व महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर की पुत्री अपूर्वा सिंह ने भाग लिया और बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए नेताजी पर अपने विचार रखे। देश के सबसे कम उम्र की प्रतिभागी के तौर पर अपूर्वा के विचार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई मंत्री प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री ने अपूर्वा की पीठ भी थपथपाई और देश के अलग अलग हिस्सों से आए 26 प्रतिभागियों के साथ नरेंद्र मोदी ने PMO ले जाकर संवाद करते हुए नेताजी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने की बात कही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी प्रतिभागियों के साथ फोटो सेशन भी कराया और उसके बाद सभी के साथ लंच किया। बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री सहित देश के कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने अपना विचार रखने वाली अपूर्वा काफी उत्साहित दिखी।
वहीं डॉक्टर प्रीति शेखर अपनी बेटी के द्वारा संसद भवन में नेताजी के प्रति विचार रखने से काफी उत्साहित दिखी और खुद बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाला समय बताया। वहीं अपूर्वा के द्वारा संसद भवन में दिए गए वक्तव्य के बाद भागलपुर सहित पूरे अंग प्रदेश में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं नाम अपूर्वा सिंह है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म जयंती पूर्ण हो चुकी है और इस सुनहरे अवसर पर मुझे एक ऐसा बड़ा अवसर मिला कि मैं बिहार का प्रतिनिधित्व कर सकूं पार्लियामेंट में। और इसमें मुझे बड़े दिग्गजों से मिलने का मौका मिला, जैसे राजनाथ सिंह जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, फिर और बहुत सारे डिग्निटरीज थे। उसके बाद हमने पार्लियामेंट में लंच किया, उसके बाद पीएमओ गए, वहाँ भी हमने नरेंद्र मोदी जी से वार्तालाप की। तो ये ऐसा मौका है जो कि कभी बहुत जल्दी नहीं मिलता, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने कम उम्र में इतना बड़ा मौका मिला। और इससे ज़्यादा खुशी है कि मैं सबसे छोटी छात्रा हूँ पूरे NYK ग्रुप से, जो कि मेरे को इसका अवसर मिला, तो मैं उनकी इसके लिए सदा आभारी रहूँगी। धन्यवाद। मेरे लिए खासकर अपूर्वा की माँ के तौर पर आप मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी बेटी ने आज बिहार का प्रतिनिधित्व करके संसद भवन में उसने अपना प्रतिनिधित्व किया और आदरणीय प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और भी अन्य डिग्निटरीज के सामने उन्होंने सेंट्रल हॉल में उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया बिहार की ओर से। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि जो पूरा समूह पूरे देश से जिन 23 बच्चों का चयन हुआ था उसमें सबसे छोटी मेरी बेटी रही और इतने कम उम्र में इसने ये मुकाम हासिल किया, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर भागलपुर के समीक्षा भवन में विकास निगम के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, DDC और कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से गुब्बारा उड़ाकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों से प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान कस्तूरबा बालिका विद्यालय की छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा छात्राओं के उत्थान के लिए चलाए जा रहे विभिन्न स्कीमों से छात्राएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। विकास निगम के तहत ये कार्यक्रम जो है जिला स्तर पर ही आयोजित किया गया और इसमें कंपटीशन विभिन्न स्कूलों में प्रखंडों में हुआ था, तो जिन बच्चों ने अच्छा किया है उनको पुरस्कृत भी किया गया है। और आप देख रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भी लड़कियां जो हैं वो आई हुई हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। कई सारी स्कीम्स जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की हैं, जिससे कि जो है काफ़ी फ़ायदा जो है वो लड़कियों को मिल रहा है, चाहे वो एक तिहाई से ज़्यादा नौकरियों में आरक्षण हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो, या स्कूल्स में जो सुविधाएं मिलती हैं। और इसी का परिणाम है कि अब कोई भी नौकरी हो, चाहे वो ग्रुप C, ग्रुप D, कांस्टेबल, DSP, डिप्टी कलेक्टर, तो आपको काफ़ी संख्या में जो है वो महिला कर्मी पदाधिकारी आपको देखने को मिलेंगे। समाज में अपेक्षा और सत्ता में शून्य भागीदारी को लेकर विश्वकर्मा काष्ट विकास समिति द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसके आलोक में आज सैंडिस कंपाउंड से रैली निकालकर जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंच उनको ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समिति द्वारा अपनी 11 मांगों का उल्लेख किया गया है। समिति के सदस्य अशोक शर्मा ने कहा कि सरकारी नीतियों द्वारा हमारा दमन किया जा रहा है, हम लोगों के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की सुविधा नहीं है, साथ ही हमारे कामगारों के लिए बिजली फ्री की जाए, अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, हम लोग अपना धरना प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरह से रखेंगे और यदि उसके बाद भी नहीं माना तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे।